हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था और पहले गेम खेली थी द वॉकिंग डेड। तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आज की जो गेम है वो मैं खेलने जा रहा हूँ, कार फॉर सेल सिमुलेटर। सही सुना गाइस, आपने वो गेम देखी थी क्या? टेक्नो गेमर, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर जो खेल रहे हैं, उसकी एक कॉपी गेम है। तो इसे खेलते हैं। तो शुरुआत में हमारे पास पैसे है 7,500, और हमें पहला टास्क है कि गो टू द बस स्टॉप। तो चलो बस स्टॉप चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो, बस स्टॉप में मैं आ गया हूँ। थोड़ी सी लैग कर रही है गेम गाइस, बता नहीं, देखते हैं। तो पहला हमें कहाँ पर जाना है? कार शोरूम यार, रेजिडेंटल एरिया। तो पहले हमें कार जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। तो उसे सिलेक्ट करते हैं। तो गैस मैं आ गया हूँ। ओ भाई, यहाँ पर कार्स तो है। ओ यहाँ पर एक है गैस, कार मिली है मुरे को। देखते हैं कितनी प्राइस है इसकी। तो इसको कैसे स्पीकर ने, अच्छा ओ भाई इसको तो बीड़ी गया मेरी गलती से। तो गाइस इसको, अबे यार, हाँ डायलॉग, अरे गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। एक दोबारा मैं ट्राई कर लेता हूँ। अबे भाई ये बोलने ही नहीं चाह रही क्या, क्या मेरे से साथ? हाँ अब हो गया। तो अच्छा, तो नेम कार का है एपीएल कोस्ट। भाई कैसा समय नेम है। इसकी पावर है 95 और इसका प्राइस है वो 3,932। वाह भाई, अपने तो बजट के ही है। तो इतनी सस्ती मिल रही है तो लेता हूँ मैं। यहाँ पर बारगेन का भी ऑप्शन है तो इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो प्राइस था 3,932। ये क्या हुआ भाई? अबे यार, मैंने तो बारगेन के साथ सिलेक्ट किया था। गाइज यार छट, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? और गाइज ये गाड़ी डैमेज भी थी, मैंने कुछ नहीं चेक किया। भाई लॉस होने वाला है। तो क्या करता हूँ उसे इसके साथ? तो अच्छा, मैं बैठ भी सकता हूँ, चला के भी जा सकता हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छे मैं उतर जाता हूँ और इस गाड़ी को या के टो करके ले जाते हैं। यार यहाँ पर ऑप्शन तो आ रहा था भाई, कहाँ है यूज टो ट्रक। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है, इससे सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट किया। अच्छा तो हाउ टू कार कैन डिलीवर, एक रुपया या थिंक $1 लगेगा। तो इसे सिलेक्ट करते हैं। तो हमारी गाड़ी शिफ्ट हो चुके हैं। अभी मेरे पास लगभग 4,000 है। इसमें से और एक गाड़ी ऐसे आएगी तो बहुत अच्छा होगा, देखते हैं। वैसे गाइस गेम ज़रा लैग कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सी गाड़ी है, ये भी डैमेज है बहुत, देखते हैं। भाई ये तो ज़्यादा ही कुछ डैमेज है, लेकिन लग रही है अच्छी। देखते हो इसके प्राइस कितनी है। तो ओ भाई नहीं नहीं बाबा, रिफ्यूज़ रिफ्यूज़। भाई बहुत है भाई, $13,000 का, कितने तो है, इतने तो मेरे पास है भी नहीं। हाँ ये छोटी लग रही है, आगे जो कार है वो छोटी है थोड़ी सी। तो देखते हैं ये कितने की है। ये थोड़ी सस्ती मिलेगी तो ज़रूर ले लूँगा। तो इसकी प्राइस है 5,000। नहीं भाई इतने नहीं मेरे पास। क्या भाई इतने ही कार है क्या यहाँ पर? थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, चलता हूँ थोड़ा सा। यार ये दौड़ नहीं रहा है मेरा आदमी, प्लेयर, देखते हैं। अच्छा यहाँ पर भी आदमी है, यहाँ पर भी कार है, तो देखते हैं। हाँ अब दौड़ने लगा, तो देखते हैं। ओ भाई यहाँ पर एक गाड़ी है, ये तो बहुत सस्ती आने वाली है, पर ये कुछ ज़्यादा ही डैमेज है, लेकिन शुरू शुरू में लेना ही पड़ेगा। 5,000? नहीं भाई क्या है इतना इसमें, एक तो डैमेज है, नैनो जैसे लग रही है तभी भी। छी यार, और कहाँ है क्या? यहाँ पर भी नहीं, कहाँ पर भी नहीं है गाइज। यहाँ पर ये भी मुझे बहुत महंगी लग रही है, तभी मैं पूछ लेता हूँ रेट इसका क्या है।
तो इसका रेट बता रहा। नहीं भाई अभी यार, ये तो सारे मतलब बहुत है, क्या बोलते हैं, बजट के बाहर है गाइस, सारे कार बजट के बाहर है। तो अच्छा, तो हमें एक ही गाड़ी लेनी थी। अब मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे समझ रहा है, यहाँ पर दिख हमारा स्टेप फाइव, मतलब हमें बोला गया है कि हेड बैक टू द बस स्टॉप, मतलब हम जहाँ से आए थे वहाँ पर हमें जाना है। तो चलो चलते हैं भाई। यार मुझे गाड़ी वो सस्ती मिलनी चाहिए थी यार, मैंने कैसे बार्गेन का ऑप्शन पर सिलेक्ट किया तो तभी भी कैसा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते सीख रहा हूँ, गलती तो होगी। तो चलो बस स्टॉप में आ गए हो, अब बस पकड़ते हैं। वैसे गाइज वो सेम कार फॉर सेल सिमुलेटर जैसी है थोड़ी थोड़ी, मतलब उसकी कॉपी है, अरे तो नहीं है। तो हमें अब जाना है डीलरशिप में, मतलब हमारे कार शोरूम पे, तो इसे सिलेक्ट करते हैं। तो भाई फाइनली आ गया, और हमारी गाड़ी भी टो करके ये देखो यहाँ पर आ गई। आई थिंक मुझे अब इसको सेल पे लगाना है। यार मैं यहाँ पर रिपेयर नहीं कर सकता हूँ क्या? यहाँ पर मतलब बता तो गया है कि हमें सेल पर लगानी। देखते हैं, शुरू शुरू में सिखा लेते हैं। तो भाई इस गाड़ी में बैठ चुका हूँ, इसे रिवर्स करते हैं। यार ऐसे वाली मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, कहीं ठुकना जाए मेरे वजह से, पहले इतनी डैमेज है। बस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बस इतने हिच। तो उतर जाते हैं, अबे यार ये बंद ही नहीं हो रही है, रहने दे। तो हमारे गेम टो, हमारे डीलरशिप का नाम गेम टो है। तो देखते हैं, चलो चलते हैं अंदर भाई। चलो अब सेल पे लगाना है इस कंप्यूटर में, भाई PS5 जैसा लग रहा है मेरे को ये। तो देखते हैं, तो सेलेक्ट किया है मैंने, तो हमें सेल कार करना था ना, तो सेल कार पर है करते हैं। तो अमाउंट इसकी 3 परचेज प्राइस, मतलब हमें खरीदी थी 3932, और हमें यार इसके प्राइस नहीं बढ़ा सकता क्या मैं? अच्छा बाद में होगा, तो इसे सेल में लगा लेते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पर है, इंक्रीज करना है, तो हमें इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे +10। इसके 5,000 और लेता हूँ, बस 5,000, बहुत 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 प्रॉफिट होगा। पुट इट फॉर सेल, तो गाइज सेल पर लगा लिए। तो चलो बैक 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 एग्ज़िट। तो गाइज देख सकते हो एग्ज़िट किया है, आप कस्टमर का वेट है। ओ भाई एक आदमी भी आ गया, चलो इससे बात करते हैं, पहला कस्टमर है हमारा। तो कितनी प्राइस देता है देखते हैं, अबे बोलना। अच्छा बोल रहे। तो गाइस इसकी प्राइस है, परचेज प्राइस मतलब 3932, मैंने पुट इट ऑन सेल पे डाली थी 5232, और ये 4300। नहीं भाई इतनी कम नहीं। ओह वेट 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 वेट, यहाँ पर एक और एक आ गई औरत, पहले इससे बात करते हैं। यार ये मुझे रिफ्यूज़ करना है। ओ बे थोड़ी सी देर रुक जाता ना बे, अगर इसने कम दिया तो भाई बहुत नुकसान होगा। देखते हैं इसको क्या। आई लाइक 384, नॉट बैड नॉट बैड, अच्छी है अच्छी है, इसे बार्गेन करके देख लेता हूँ। अच्छा मतलब पिछली बार मैंने जो गाड़ी ली थी वो गलती से मैंने टिक पे बटन किया था, मुझे यहाँ पर क्लिक करना था। तो इसे मैं बोलता हूँ कितने, 4,000, हाँ इतने इतने तो दे, मतलब 5,000 है, 300 200 तो कम है। देखते हैं क्या बोलती है, लेती है कि नहीं। ओ योर डिस्काउंट इज, आई एम डू हैंगिंग, आई एम रेडी टू ऑफर यू माय प्राइस। नहीं भाई इतनी सस्ते नहीं भाई, मुझे तो कुछ कमाना है। अच्छा यहाँ पर एक और एक लड़की है, इससे पूछते हो। ये बोल रही है 3,000, अरे यार सेम ही बोल रहे हैं सारे प्राइस, मतलब मुझे वैसे ही लॉस ही होने वाला है। तो देखते हैं इसको भी बारिंग करके देख लेते हैं कितने को देगी आखिर में, +10। बस मेरे तो इतने प्राइस है। लेट्स मी सी, योर डिस्काउंट इज टू स्मॉल। भाई यार कैसा है भाई, नहीं, रिफ्यूज इसको भी। वैसे कुछ कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं इस गाड़ी को, पता नहीं कुछ यार रात भी हो गई, इसको इसको बोलते हो।
ये बोल रही है, ओ भाई मिल गई, अब मिल गई ना अच्छी। तो इससे बार्गेन करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो गाइस इसको अभी मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, देखते हैं। आई एम प्लीज टू, भाई सेल भी हो गई भाई, वाह 7,000, मतलब ऐसे मुझे लॉस ही हुआ है। वो गाड़ी मैंने ज़रा सस्ती ली होती तो मुझे 150 और 200 का तो मुझे प्रॉफिट हो ही जाता, पर देखते हैं। अब हमें आई थिंक सोने को ही जाना होगा क्योंकि रात हुई है, तो सोने पर क्लिक करते हैं। अरे यार कहाँ सो गए? अच्छा तो चलो, आज हमें खुद से सारा करना है, मतलब हमें दिखाई नहीं गया है कि कहा गया कि वह कहा ही नहीं गया है कि हमें कुछ करना है। तो देखते हैं, फिर से हमें वहाँ पर जाते हैं, कार जहाँ पर हमें मिलती है, देखते हैं। आज आज बहुत अच्छी, आज दो कार लाऊंगा, कल एक लाई तो आज दो लाऊंगा। अबे यार बस क्यों नहीं आ रही है? हाँ आ गए आ गए, तो चलो चलते हैं। तो गाइस फिर से आ गया, फिर से एक गाड़ी मुझे मिल गई है नैनो टाइप की। ऐसी सस्ती सस्ती कार में लूँगा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत डैमेज है ये, बहुत डैमेज है, पर लेकिन देखते हैं। तो ये, ओ नहीं, छी रिफ्यूज़ भाई, कैसे कचड़ा से गाड़ी उसके 6,000। ओ भाई वे, यहाँ पर कुछ अच्छी गाड़ी आ गई है, देखते हैं। ये मुझे अच्छी लग रही है वैसे। और यार ये तो पूरी खराब है, अबे यार ये तो पूरी खटा रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। तभी भी देख लेता हूँ क्या है इसकी प्राइस है, कुछ भी भाई इतनी खटा रहा है एक तो, तभी भी इतनी भाई, ये रखता हूँ ये, अगर 2-3 हज़ार में मिलेगी ना तो ज़रूर लूँगा। इसे पूछते हैं 5,000, नहीं भाई इसे बार्गेन करके अगर 4,000 में लूँगा तो देखते हैं। वैसे अच्छी है, ऐसे ही मैंने मतलब अभी ली थी, तो इसे मैं देने वाला हूँ 4,000। इतने मतलब देख लेता हूँ, अगर देगी तो अच्छा होगा। लेट मी सी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेट ऑफर, नहीं भाई नहीं, रिफ्यूज़, इतना नहीं होगा। अगर एक गाड़ी पर इतना लगा तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर भी एक है, ये ज़रूर महंगी होगी गाइस, क्योंकि ये SUV है ना, मतलब बड़ी है ना, SUV है। तो ये बोल, ओ नहीं मुझे बताया था तभी मैंने पूछ लिया है। ओ ऑडी भाई, ऑडी मुझे प्राइस देखना है, लेऊंगा तो नहीं पर प्राइस तो देख लेंगे, एक दिन ज़रूर ले लूँगा। तो इसकी प्राइस है 1,79,401। भाई भाई नहीं, ये तो बहुत महंगी है, एक दिन पर एक दिन ज़रूर लूँगे। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ अच्छा कार से क्या, यार बहुत महंगी यार, बजट में नहीं है हमारे। तो भाई हाँ आज यहाँ पर है थोड़े कार्स, भाई यहाँ पर तो आज फुल ही है। वाह तो देखते हैं ये कितने को बोल रही है, 5,000, नहीं इससे भी बार्गेन करके लिख लेता हूँ, थोड़े से कम होगा तो बहुत अच्छे हो गए। 10, 10, हाँ बस इतना तो दे प्लीज 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 प्लीज। ओके अबे यार मैं एक ही बार बार्गेन कर सकता हूँ यार, एक तो गाड़ी मुझे उससे गाइस, ये गाड़ी मुझे ज़रा मतलब डैमेज कम लग रही है, देखते हैं यार। अगर ऐसे ही देख लाऊंगा तो मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी आज। हाँ ये थोड़ी सस्ती है, ये थोड़ी सस्ती है, इसे बार्गेन करते हैं, सोच समझ के बार्गेन करूंगा इस बार। सिर्फ 3,000 मेरे, प्लीज 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 भाई, यार ले लेता हूँ ना, इतना क्या जाएगा। तो भाई ले ली, ज़्यादा सस्ती थी, 4,000। देख रहे हो गाइस क्या मिला? अब इस गाड़ी से ही मैं घूमूंगा। यहाँ पर गाइस मुझे ना एक रिक्शा मिली है, इसकी प्राइस पूछ लेता हूँ कितनी है, सस्ती होगी तो ज़रूर लूँगा। यार वैसे सस्ती है, सिर्फ बार्गेन करके ना थोड़ा सा कम कर लेते हैं।
ओके भाई, रिक्शा है यार, कैसे है इसको, तो एक बार चलाने वाला। पहले इसको बेचते हैं डीलरशिप में, और इसको भी क्या करता हूँ, इसको भी बेच लेता हूँ डीलरशिप में। पहले वहाँ पर जा लेते हैं डेस्टिनेशन। फुल 0 पैसा है मेरे पास। यहाँ पर एक गाड़ी है गाइस, छोटी सी है, इसकी भी प्राइस पूछ लेता हूँ। अगर आज पैसे मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। वैसे टूटी फूटी है, अगर 2,000 या दो नहीं 4,000 रुपये भी मिलेगा तो ले लूँगा। देखते हैं, 5,000 नहीं भाई, पैसा ही नहीं है भाई, ये नहीं। तो देखते हैं यार गाइस, मुझे एक समझ नहीं आ रहा इस गेम में, मतलब हम कार को रिपेयर नहीं कर सकते भाई, मतलब कि सीन क्या है कि हम इसे ले रहे हैं और ऐसे सेल कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ तो होगा। भाई 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 भाई, आ गया फाइनली सस्ती। कल भी ने यही सोल्ड की थी, और आज भी यही सोल्ड करो। सिर्फ इतना फर्क है कि ये कम डैमेज है थोड़ी सी, तो इसे टो कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर भेज लेते हैं। कहाँ, अरे यार मैं गलती से बैठ गया, तो मुझे शोरूम में भेजने हैं। टो का ऑप्शन कहाँ गया, अबे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। भाई भाई, हाँ आ गया, अग्री, $1 गया हमारा। अबे ये क्या, तो गाइस ऐड थी जो कि मैंने स्किप की है, तो इसे मैं भेजने वाला हूँ, टो करके भेज लेते हैं अग्री। तो गाइस ये देखो, ये गई। अब हम बस पकड़ के यहाँ से भी शोरूम के लिए, मतलब डीलरशिप के लिए निकल लेते हैं। तो गाइस फाइनली आ गया, 2 कार मैंने आज लिए, मतलब एक रिक्शा है, देख लेते हैं इसको भी सोल्ड करेंगे। पहले लगा लेते हैं हम ठीक से, चलो चलते हैं। बैठ गया। अबे यार, एक तो ये गेम बहुत लैग कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं यार, टो नहीं करनी, मुझे बैठना है। तो चलो इसको आराम से, आराम आराम से रिवर्स लेते हैं। भाई बार बार बच गए। अब यार ऐसे ही लगा लेते हो। वैसे मैंने अभी तक तो इस सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया है। एक काम करता हूँ ना, इस गाड़ी को यहाँ पर लगा लेता हूँ। अरे अबे, कंट्रोल के बाहर ही जा रही है, तो इसको यहाँ पर लगाए। और उस वो, अरे एक आ गया, हाँ इस रिक्शा से ना एक राउंड मार के आ लेता हूँ। वैसे लग रहे तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही, मतलब यूनिक है। मतलब इसकी सीट देख रहे हो क्या, कैसे है ऐसा बैठने है हमें, देखते हैं। ओ भाई भाई, स्पीड कम है इसकी, स्पीड कम है। अबे यार ठुक गई कैसे से यार। अबे यार एक ऐसी कंट्रोल भी नहीं हो रही है, छी रहने दो इससे यार, इससे तो अबे यार ये कैसा खटारा है। अबे ये सेल तो होगा ना खटारा, मतलब चल ही नहीं रहा है। देखते हैं सेल में तो डाल लेते हैं, शोरूम तो बहुत अच्छा है हमारा, तो चलो सेल पे डाल लेता हूँ। सेल, ऑफिस डेकोर, गेमो, ये ऑफिस डेकोर का मतलब क्या है, अच्छा कुछ दिखा नहीं रहा है। तो टू टोक, इसको भी सेल में डाल लेते हैं। इसकी अच्छा फिक्स भी कर सकता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन है गाइस, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन है, पर यहाँ पर पैसे लगेंगे तो हम इसे कर सकते हैं। तो इसकी पर मैं लाया था 3136, तो मैं 4,000 तक, 4,10, 5,000, हाँ 5,000 एस्केप करो। तो इसे देख लेते हैं, अब है ये कार, इसको तो मैंने 4,000 में लाया था, और 4,000 यानी कि 6,000 में से लेने वाला हूँ, बस पुट इट ऑन सेल। तो कई दो कार मैंने सेल में लगा लिए, देखते हैं कस्टमर आएंगे ज़रूर, अभी तक तो कोई नहीं आया।
ओ भाई एक एक अबे ये कहाँ गई? मुझे लग रहा था कि ये आ गई कार लेने को। एक जना गई, कौन सी ले रही है? टुक टुक ले रही है क्या? ये ले रही है, देखते हैं। अच्छा तो इन्हें, इसने वाइट कलर की कार सेलेक्ट की है। इससे पहले बोल लेते हैं कितनी दे रही है डायलॉग। तो मैंने प्राइस 6,000 डाली है और परचेस प्राइस थी 4,000। और ये भाई रिफ्यूज, इसको तो सेल नहीं कर गया। एक दो तो रुपए कमाने को दे मेरे को। भाई साहब, इस टुक टुक को इसको पसंद आए। वैसे देख के तो अच्छी लग रही है पर चलाने तो बहुत घटिया है। तो पर क्या कर रहे हैं, हमें हमें पैसों से मतलब है। अबे 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 अबे, ये क्या सुन लेता है क्या क्या मेरी बात? भाई यार ये भी गया, अच्छी नसीबीच खराब है अपना। अच्छा तो ये वापस से आ गई। अबे अभी अभी तो गई थी ये। आई थिंक ये टुक टुक दिख रही है, ये इसकी तो यहाँ पर औकात नहीं है ये खरीदने की। आई थिंक ये खरीदने वाली है, देखते। 5-3 हज़ार, अगर इसके 4,000 भी मिल गए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा मिल रही है तो थोड़े से बढ़ा लेते हैं हम। तो ये दे रही थी 4,000, बस इतने तो दे, इससे भी अच्छे नहीं लग रही है। नहीं बाबा इतने तो नहीं बाबा, थोड़ा तो कमा ले कमा रहे। तो इसको भी अनसेल करता हूँ, इससे बात करता हूँ कि ये कितनी दे रही है मेरे को। तो मैंने इससे 1,000 डाला था। नहीं, इतने कम नहीं बाबा, 4,000 की मैंने ली है पागल। अब यार कस्टमर भी ना आई नहीं रही यार, इतनी कम प्राइस। तो भाई भाई मतलब 1 रुपये भी मैं प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा हूँ तो गलत बात है ना। और ये वापस क्यों आ रही है? बार बार देख रही हूँ, एक बार यार इस कार को देखने आ रही है, इस बार एक कार वहाँ पर देखने आ रही है। पैसा भी है क्या इसमें? अब दिखा देता हूँ इसको। वे बोलो तो गाइस, तो इसका अब इसने बढ़ा लिया है थोड़ा। नहीं भाई ये तो बहुत कम है, मतलब परचेस प्राइस जो जहाँ से मैं लाया था वो थी 4,347, और ये मुझे सेल करिए, मतलब ये मुझे मांग रही है कि 4,172। भाई नहीं भाई, इतनी सस्ती नहीं, ये तो मुझे उल्टा लॉस हो रहा है। अब यार ऐसे क्या इसमें कमी है? अगर मुझे 5,000 भी मिलेंगे ना तो मैं इसे सेल करूँगा, क्योंकि थोड़ा 1,000 वाला तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा ना। पर यार ये तो उससे भी कम मांग रहे। तो भाई अभी फिर से वो लड़की आ गई मेरे को लग रहा है। इस बार वो टुक टुक को देखने के आ रही है, तो वो देखते हैं। इससे बात करता हूँ ये कितने को दे रही है। तो इसकी प्राइस मैंने परचेज 3,336। भाई यार ये तो जैसे 4,000 मांग लेता हूँ, दे रही है क्या? नहीं बता देता हूँ, 3,200। क्या करूँ क्या करूँ, और बढ़ाऊँ का नहीं? भाई मैंने परचेज 3,000, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बस बस इतना तो दे। प्लीज़ 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 प्लीज़। अबे यार ची, नहीं, ये तो मुझे बहुत लॉस होना है, तो इसे भी अनसेल करता हूँ। अभी तक कार सेल नहीं हुई मेरी, और ये लड़की वापस आ रही है। ऐसा मन कराएगी जाने दे, लॉस होना है तो होने दो, पर बस अब नहीं हो सकता। अबे यार बोल कितने को चाहिए यार? इतनी अच्छी तो है लग रही है यार, पहली वाली इतने अच्छे सेल हुई थी तो ये नहीं। यार इतनी कम प्राइस में कैसे ले सकता हूँ मैं? निकल, नहीं है मेरे पास इतना पैसा। अबे यार तो गाइस मुझे नहीं लगता कि ये कार सेल होने वाली है, तो हम यहाँ पर ही रुकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ये कार सेल होने वाली नहीं। अरे बहुत घंटे, मतलब कि बहुत घंटे लग रहे हैं और प्राइस भी अच्छा नहीं आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक करना, न्यू अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।